अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है यस yes, मैं ठीक है आ, हम फाइव मिनट्स वेट करेंगे जस्ट बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन जैसे करते हैं तो हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं आज की ठीक है लास्ट uh, टाइम हमने अपना ब्रांड नेम फाइनल किया था आज हम इंशाल्लाह अपने ब्रांड नेम से अपना लोगो डिज़ाइन करेंगे ठीक है उसके बाद हम अपना uh, कैमरा में इमेज एडिटिंग मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी लेकिन आज हम प्रैक्टिकली एक मरतबा से uh, हम कुछ इमेज uh, इमेजेस एडिट करेंगे और इसके बाद हम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी सीखेंगे डिफरेंट रिफेंग uh, सोशल मीडिया की पोस्ट का साइज़ डिफरेंट होता है तो हम डिफरेंट साइजेस में आ, कुछ सीखेंगे पोस्ट बनाने ठीक है उसके बाद आपको मैं एक असाइनमेंट भी दूंगी आज घर के लिए इनशाला तो आपने कल तक वो असाइनमेंट मुझे बना के व्हाट्सएप करनी है ठीक है और साथ साथ आप लोगों को जो मैं करवाऊँ वो आप लोगों ने साथ साथ अपने पीसी पे भी करना है जी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आपने सबसे पहले अपने गूगल पे कैनवा डॉट कॉम ओपन करना है जल्दी से ओपन कीजिए कैनवा डॉट कॉम उसके बाद मुझे चैट बॉक्स में बता बताइए आपने कर लिया है तो मैं इसके बाद आपको लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करवाती हूँ जी कैनवा ओपन हो गया आप लोगों का ये आप स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा आपने आप लोगों का कैनवा ओपन हो गया ठीक है एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से ओपन करें और चैटबॉक्स में डन का मैसेज कर दे मुझे जी राबिया एंड किम्सा आप लोग भी कैनवा ओपन करें जल्दी से ठीक okay. बहुत स्लोली काम करते हैं इतनी देर से आपने लगाई है कैनवा ओपन करने में आपको पता है क्लास से पहले कि आप हमने आज कैनवा का काम करना है तो आप क्लास से पहले ओपन करके रखा करें क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट होता है हमारा काम ज्यादा होता है लास्ट टाइम में हमारा काम थो, थोड़ा रह गया था तो जो चीजें हमने करनी है मैं, आपको पहले से मैंने बताया हुआ था लास्ट टाइम भी कि हमने लोगो डिजाइन इस मृतः करना है तो आप पहले से कैनवा ओपन करके रखा करें अब यहाँ देखें आप यहाँ पे एक टैब है पर्पल कलर की इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ डिजाइन इस पे हमने क्लिक करना है ठीक है अब यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने कौन सा डिजाइन क्रिएट करना है फर्ज करें कि हम लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस पे लोगो पे क्लिक कर देंगे इसके अलावा आप यहाँ से लोगो पे क्लिक करके ओपन कर सके लोगो बना सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च बार में भी लिख सकते हैं लोगो ठीक है आप यहाँ लोगो लिखेंगे तो यहाँ से भी लोगो के डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे इन दोनों में से शो हो जाएंगे आप किसी भी जगह पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए ठीक है इसके बाद आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हो रहे हैं लोगोज के आप यहाँ से आप देखें कि आपको आपके ब्रांड के लिहाज से कोई अच्छा लोगो लग रहा है अगर नहीं लग रहा तो आप यहाँ से क्रिएट ब्लैंक वाले पे क्लिक कर दें अब यहाँ से एक ब्लैंक आपको स्पेस ओपन मिलेगी स्पेस मिलेगी यहाँ पे आप अपना लोगो खुद से क्रिएट करेंगे और इसकी लेफ्ट साइड पे डिफरेंट टेम्परेट uh, जो हो, uh, जो है ना वो हम सर्च आउट कर सकते हैं अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करती हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरा रेस्टोरेंट है और मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक लोगो डिजाइन करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी रेस्टोरेंट लोगोस ठीक है अब मैंने रेस्टोरेंट लोगो लिखा तो उसके रिलेटेड बहुत सारे मुझे यहाँ पे लोगो शो हो गए हैं मुझे इनमें से कोई भी जो सा भी अच्छा लगेगा ना मैं वो वाला चूज कर लूंगी आप लोग का जो ब्रांड है ना आप उसके लिहाज से कोई कोई भी यहाँ पे कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे उसका लोगो डिफरेंट शो हो होंगे उन टेम्पलेट्स में से जो उनसे आपको अच्छा लग रहा है ना आप वो वाला ओपन कर लीजिए इतनी देर ठीक है सपोज ये मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सिंपल सा भी है एंड डिसेंट भी है ठीक है तो मैं ये वाला ले लेती हूँ इसके बाद ना एक्चुअली असल हम पे ये करते हैं कि हमने एक का कोई भी अच्छा सा अब मेरे हमें अप, अपना रेस्टोरेंट का जो नेम है ना हमें वो यहाँ पे लिखना है लेट सपोज मैं यहाँ तबाक लिख देती हूँ मेरा तो नहीं है रेस्टोरेंट लेकिन एक रेस्टोरेंट है मैं उसका नेम यहाँ लिख देती हूँ ठीक है अब

टेक्स्ट uh, है वो तो हम चेंज करेंगे ना इसके अलावा हमने क्या करना है जो इमेज है ना इसके टेक्स्ट के ऊपर जो आइकन शो हो रहा है इसको भी हम चेंज कर देंगे उसको चेंज करने के लिए क्या कर, क्या कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट और लोगों से हो रहे हैं सॉरी uh, मेरे से किसी पे क्लिक हो गया इसलिए वो पूछ रहे पे पे। तो तो मैंने, मैंने मैं चूज कि मुझे इसमें से कौन सा वाला इमेज जो है ना यानी आइकन अच्छा लग रहा है लोगो के ऊपर वाला तो मैं वो वाला लोगो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ओपन करूंगी यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड करने के लिए ऊपर देखूंगे प्लस का रहा है मैं प्लस पे क्लिक किया एक और एक पेज ऐड हो गया अब देखिए बस टू पेजेस हैं ठीक है एक वो जिसके पर मैंने पहले एक लोगो आ, का टेम्पलेट ओपन किया था और ये सेकंड पेज इसके नीचे ओपन हुआ है अब फर्ज मैंने आपको बताया कि पेज मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मैं ये ऊपर वाला जो लोगो डिजाइन की आ, हमने टेम्पलेट लिया है इसमें इस आइकन को चेंज कर सके और वो आइकन हमने ये जो पहले से मौजूद कुछ और आई टेम्पलेट्स हैं इनमें से कोई हम लोगों सेलेक्ट करेंगे वो लोगो हम इस सेकंड पेज के ऊपर लेकर पेस्ट uh, करेंगे ठीक है ये देखिए मैं इसमें से कुछ भी सिलेक्ट पहले मैं मैंने सेकंड पेज को सिलेक्ट करना है ठीक है अब सिलेक्शन इसके ऊपर है सेकंड पेज के ऊपर वो मुझे कैसा पता चला ये देखिए जो मेरी सेकेंड पेज है इसके इर्द गिर्द मुझे ब्लू कलर का बॉर्डर शो हो रहा है ना ये बॉर्डर शो कर रहा है कि इस टाइम ये पेज सिलेक्टेड है और फर्स्ट पेज देखिए उसके ऊपर कोई बॉर्डर शो नहीं हो रहा है इसका मतलब कि फर्स्ट पेज इस टाइम सिलेक्टेड नहीं है जिस पेज के ऊपर ये सिलेक्शन होगी उस पेज के ऊपर टेम्पलेट ओपन होगा जिस भी टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूंगी ठीक है अब मैं इसमें से सेकंड कोई भी टेम्पलेट चूज कर रही हूँ जिसका मुझे ये ऊपर वाला जो इमेज है ना वो अपने इस इमेज को रिप्लेस करने, करने के लिए लगाना है ठीक है लेट्स पोज मैं ये वाला इमेज ओपन कर लेती हूँ सॉरी टेम्पलेट ठीक है ओके okay, अब हमने एक ये वाला टेम्पलेट लिया इसमें एक ये इमेज है मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगी ठीक है और ऊपर वाला टेम्पलेट में जाऊंगी ऊपर वाले पेज में इस पेज पे जाके मैंने कंट्रोल वी से वो पे, आ, पेस्ट कर दिया और इसको मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर करके जो पहले वाला था उसको मैंने बैक स्पेस से डिलीट किया और ये वाले को मैं थोड़ा सा नीचे ले आई ठीक है अब स्टूडेंट्स एक और काम की देखें चीज नोट करें कि अब ये जो मैं नया वाला आइकन लाई हूँ ना इस आइकन में येलो कलर है <coughs> और मेरी जो पहला <coughs> टेक्स्ट है सॉरी उसमें ये मेरे पास ऑरेंज या रेड शेड है ठीक है तो अब मुझे क्या हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इसको भी येलो कर दें ठीक है ताकि दोनों का सेम कम्बिनेशन हो जाए पहले तो इसके साइज को थोड़ा सा स्मॉल करेंगे ये देखिए इसके फोर कॉर्नर्स पे फोर शो हो रहे हैं इस डोर पे आप जब अपने एरो को लेकर आते हैं तो ये देखे एरो की जो शेप है वो चेंज हो गई अब जब ये इस शेप में आएगा तब आपने left button प्रेस करना है अपने का और Alt प्रेस करके रखना है और फिर इसको ड्रैग डाउन करना है ठीक है तो इसकी इमेज की साइज जो है ना वो थोड़ा सा छोटा हो गया अब इसको मैंने यहाँ प्लेस किया और अपने इस वाले टेक्स के कलर को मैं चाहती हूँ कि येलो कर दू इसके लिए मैंने क्या करना है ये टेक्स क, ये जो ए लिखा हुआ है इसके नीचे ऊपर आप जब अपना एर ओ लेकर ले आते हैं तो ये देखिए इसके नीचे लिखा गया टेक्स कलर मीन्स यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो टेक्स कलर चेंज हो जाएगा ठीक है तो मैंने इस पे क्लिक किया अब ये देखिए सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट्स के कलर्स आ रहे हैं जो कैनवा ऑटोमेटिकली हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया ना उसमें जो कलर्स आ रहे होते हैं ना उन कलर्स को यहाँ शो कर रहा होता है ये सारे कलर्स अब ये देखिए जो येलो कलर मैंने यूज किया ना वो यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली या तो आप इधर से इसको येलो पे क्लिक करेंगे ना तो ये हेल्थ, हेल्दी फूड येलो हो जाएगा लेकिन अब देखें हमारा कलर थोड़ा डल फील हो रहा है तो इसको थोड़ा डार्क करने के लिए हमने इस प्लस पे क्लिक किया और यहाँ से इस स्लाइडर को थोड़ा सा हमने ऊपर को मूव करना ताकि कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए ठीक है अब देखें इसको मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है डार्क शेड में जा रहा है इसके अलावा अगर फर्ज कर मैं इसको पहले वाला कलर ही रहने देती हूँ और मैं उसमें भी स्लाइडर से थोड़ा सा मूव करके देखती हूँ कि वो इसमें कम्बिनेशन बैठ रहा है या नहीं हम्म hmm. अब देखिए आई थिंक अगर मैं येलो करती हूँ ना तो वो कुछ ज्यादा सेम मैच मैच हो जाता है तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था यही वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो जब भी हमने डिजाइन करना है ना तो हमने थोड़े से उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके चेक करना है कि कौन सा कलर जो है वो सूटेबल है हमारे लिए ठीक है ये नहीं होता करना कि ये बस ठीक है ये एक है तो मैंने यही रहने देना है उसको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करें कलर चेंज करके देखें आपको जो लगे कि ये वाला ज्यादा बेस्ट फील हो रहा है ना तो फिर वो वाला कलर आप रहने दें ठीक है ओके okay. एक तो मैंने ये बना लिया इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसी पेज का ना एक डुप्लीकेट पेज बनाती हूँ अब देखें, एक तो ऊपर चल मैंने जो लोगो बनाया था ना मैंने उसी का डुप्लीकेट नीचे क्यों बनाया है ताकि मैं इस आइकन को चेंज करके देखूं कि कौन सा वाला आइकन जो है ना वो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है मतलब कौन सा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है एक तो मैंने ये चेंज करके लगा लिया ना अब ये जो मैंने नीचे वाले पेज पे यूज किया था ये सारा मैं करती हूँ डिलीट बैक स्पेस से और अब मैं यहाँ पे एक और कोई भी टेम्पलेट जो मुझे अच्छा लग रहा है ना वो ले आती हूँ अब इस टेम्पलेट में जो इमेज शो हो रहा है ना मैं वो वाला आइकन ले लेती हूँ कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया सपोज मैं इसके साथ ये वाला पार्ट भी लेना चाहती हूँ अब देखे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सिंगल आइकन ही मेरा सिलेक्ट हुआ लेकिन अगर मुझे ये वाला आइकन साथ में

और अभी मैंने ये वाला डिलीट किया अब देखिए जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया वहां से तो हमारी सिलेक्शन रिमूव हो गई ना अगर मैं दोबारा इसको मैंने ग्रुप ना किया होता और मैं इसको अब अब सिलेक्ट करती अभी भी ये सिंगल पार्ट ही सिलेक्ट होता है दूसरा पार्ट सेलेक्ट नहीं होता और मैं जब इसको नीचे लाती तो एक पार्ट नीचे आता दूसरा उसके साथ नहीं आता तो इस तरह से डिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता इसलिए मैंने उन्हें पहले ही ग्रुप कर लिया था ताकि अगर मैं नीचे लेकर आऊँ तो इतना ज्यादा डिस्टेंस वो ग्रुप पूरा ग्रुप में ही नीचे आए ठीक है ना, जब हमने बहुत कम आ, इसको मूव करना है ना वैसे तो हम इसको ड्रैग करके मूव कर लेते हैं अपने माउस से लेकिन अब देखिए मैंने बहुत कम मूव करना है जस्ट वन पॉइंट ऊपर या नीचे तो फिर इसको सेलेक्ट करके आप एरो की से वन मूव किया करें वन मीन्स के एरो की इसको वन टाइम प्रेस किया टू टाइम प्रेस किया तो वो वन वन पॉइंट ही मूव होता है ठीक है तो फिर एडजस्ट कर ले उसकी पोजिशन को इजिली आप अब देखें यहां से इसका कलर भी चेंज हो सकता है इस आइकन का अब यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट के कलर्स देखें ये ब्लैक आ रहे हैं तो मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ अच्छा तो इस तरह से आप अपने आइकन के ना तीन चार डिफरेंट वेरियंट बना लिया करें और फिर उनमें से चू देखा करें कि आपको कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा है ये देखिए ये कलर ज्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहे हैं तो हम ये वाला चूज कर लेते हैं इस तरह से आपने भी अपने ब्रांड के तीन चार डिफरेंट वेरियंस बना लेने डिफरेंट उनके ऊपर चेंज करके लगाने और टेक्स्ट तो आपने जायदा चेंज करना ही करना है अब हेल्दी फूड लिखा हुआ है ना तो आप इस टेक्स को भी चेंज कर दें ताकि इशू ना आए कुछ भी आप इसकी जगह पर लिखते हैं। तो अब आप लोग अपना लोगो जो है आप साथ साथ क्रिएट कर रहे थे या अभी आप लोगों ने करना है जी अब्दुल अहद कह रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है और माहीन ने अभी करना है राबिया ने भी अभी करना है महानूर ने भी चले मैं फाइव मिनट्स रहती हूँ माहीन, राबिया एंड महानूर आप तीनों जल्दी से अपना अपना फाइनल करें ठीक है फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे क्योंकि ये मैं साथ साथ इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो मतलब मेरे साथ साथ काम करेंगे तो जब मैं नेक्स्ट वाला आपको सिखाऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा वरना अगर मैं जस्ट मैं ही बोलती रूँ और आपको सिर्फ सुन ही रहे होंगे ना तो आप लोगों को नींद भी ज्यादा आएगी और इंटरेस्ट भी डिवेलप नहीं होता लेक्चर में अगर साथ साथ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली काम करें तो उनका इंटरेस्ट भी डिवेलप होता रहता है साथ साथ और थोड़ा सा नेक्स्ट काम जो है वो भी नहीं फील होता है तो उन्हें अच्छा समझ भी आ जाता है इसलिए आप लोग भी साथ साथ किया करें काम ठीक है फाइव मिनट्स हैं जल्दी जल्दी से कीजिए ठीक है अब्दुल अहद आप अपनी स्क्रीन पे देखिए ये शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि मैं आपका लोगो देखूँ कि आपने कैसा डिजाइन किया है मैंने परमिशन दे दी हुई है आप ओपन कीजिए यहाँ से अपने शेयर कीजिए स्क्रीन मानूर आज आपने क्लास काफ़ी लेट ज्वाइन की है इसकी क्या रीज़न है टाइम पे ज्वाइन किया करें क्लास क्योंकि जब आप लेट ज्वाइन करते हैं तो जो स्टार्टिंग से मैंने समझा दिया हुआ है अगर आपने वही नहीं समझा तो अब मिड से आपको कैसे समझ आएगा कि मैं अब आपको क्या काम करवा रही हूँ ठीक है नेक्स्ट टाइम ना आप क्लास जो है ना वो टाइमली ज्वाइन किया करें क्योंकि अब आप, आपको पता है फोर्टी मिनट का सेशन होता है उसके बाद वो सेशन ओवर हो जाता है नेक्स्ट स्टार्ट करना पड़ता है मुझे तो अगर आप वही इतना लेट ज्वाइन करेंगे मैं आप लोगों का वेट में टेन फिफ्टीन मिनट गुजार दूंगी तो उस फोर्टी मिनट्स में मेरे पास क्या टाइम बचा कि मैं आपको आगे समझाऊं तो आप देखें टू आवर्स होते हैं इसमें हमने अपना काम कंप्लीट करना है जो भी उस दिन का हम, हमने टास्क रखा हुआ है वो कम्प्लीट करना है तो टाइमली ज्वाइन किया करें ताकि मुझे फाइव मिनट से ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती आप लोगों का ठीक है लाइट लाइट तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है उसका हम कुछ नहीं कर सकते चलिए इनशाला आप आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक मरतबा और जिन्होंने टाइमली ज्वाइन कर लिया था वो जल्दी से अपने लोगो जो है ना वो डिजाइन कर ले जी अब्दुल्लाह ने मुझे अपना लोगो शेयर कर दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक है अच्छा लोगो बना है आपका लेकिन ना ये थोड़ा डल डल सा फील हो रहा है इसमें कलर्स जो ना इतने अट्रैक्टिव नहीं फील हो रहे तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप ना डिफरेंट वेरिएंट्स बना लिया करें एक ही लोगो के ना जैसे कलर्स डिफरेंट करके तो ये कलर्स चेंज हो सकते हैं आपके जो एलिमेंट इसके भी ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स ये ना मीटिंग का ओवर होने में अब टेन मिनट्स रह गए हैं फाइव मिनट्स के बाद मैं लीव करूंगी ताकि और ताकि रिकॉर्डिंग में सेव कर लूं और उसके बाद फिर मैं आपको लिंक न्यूज सेंड करूंगी तो सब बच्चे फ़ौरन से ज्वाइन कीजिएगा जी जी अब्दुल्ला हद में आपसे ये कह रही थी कि आपके जो टेक्स्ट है ना इसका कलर भी चेंज हो सकता है इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स आपने ऐड किया हुए है इसका भी देखिए कलर चेंज की वेरिएशन आ रही हैं तो इस, इनके कलर्स वगैरह भी आप थोड़े ना चेंज करके देखें डिफरेंट एक ही लोगो बस बना के इतना आप फौरन से वही चूज ना किया करें 4 5 एटलीस्ट बना लिया करें तब फिर उसके बाद उनमें से देखें कौन सा अट्रैक्टिव है और कौन सा आपका ज्यादा मतलब रिलेवेंट लग रहा है आपको अपने ब्रांड से अब्दुल अहद Uh, का क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आ रहा है की एक ही टेक्स्ट बार में दो वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे एक टेक्स्ट बार में दोनों वर्ड्स चेंज हो सकते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे ये देखे ना ये टेक्स्ट बार में इसमें ये दो डिफरेंट वर्ड्स है ना अब इन दोनों को चेंज कर सकती हूँ मैं दोनों को इकट्ठा रेस भी कर सकती हूँ दोनों को डिफरेंट मतलब कुछ और भी लिख सकती हूँ उसकी जगह पे हेल्दी फूड की जगह मैं फास्ट फूड लिख देती हूँ यहाँ पे लिखा गया ना फास्ट फूड की जगह कुछ और लिख लें ये देखिए इसमें कर्सर शो हो रहा है ये दोनों मोडिफाई हो सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप भी करके देखें आपसे भी हो जाएंगे ये अब बाकी स्टूडेंट्स ने कर लिए अपने अपने डिजाइन तो वो भी मुझे ग्रुप में ही शेयर करते हैं अपने लोगों अच्छा मैं आपको बता देती हूँ ये डाउनलोड कहाँ से होते हैं ठीक है क्योंकि आपको तो डाउनलोड करने में अगर फर्स्ट टाइम में तो कोई आ रहा हो ये देखिए ये मुझे नहीं पसंद आया था ना तो मैं ये डिलीट डिलीट कर रही हूं, पेज यहां ये ये पेज से ये देखिए पे क्लिक करके ठीक है एक ये पेज मैंने डिलीट पे क्लिक किया ये हो गया अब फाइनली मेरे पास ये वाला है जो मुझे अच्छा लगा था इसको मैंने डाउनलोड करना है ये देखिए शेयर का बटन है इस पे आपने क्लिक करना है एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स जी अब ये देखें ये डाउनलोड पे आपने क्लिक किया यहाँ से आपने ये देखिए हमारे पास ना कैनवा का जो फ्री वरियन है फ्री वरियन में ना आप साइज चेंज नहीं कर सकते ये फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड पिक्सल है ना तो यही साइज रहेगा अगर तो कोई आपके पास हो ना आपने पेड वरियन लिया हो प्रो वरियन तो उसमें ना आप डिफरेंट साइज में भी डाउनलोड कर सकते हैं फिलहाल इसमें हमारे पास यही ऑप्शन है तो हम इसी में जितना ये साइज इसी में कर सकते हैं इसके अलावा ना डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं तो ये जेपी जो होता है ना नॉर्मली इमेज का फॉर्मेट होता है तो मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड हो जाएगा ठीक है ये डाउनलोड होकर यहाँ पे आ गया ऊपर अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और शो इन फोल्डर पे मैंने क्लिक किया कि जिस फोल्डर में ये सेव हुआ है ना वो फोल्डर मुझे शो हो जाएगा अब उस फोल्डर पे मैंने इमेज पे डबल क्लिक करना है तो ये इमेज मुझे शो हो जाएगा ठीक है एक मिनट स्टूडेंट्स ये देखिए ये इमेज मुझे शो हो रहा है अब क्योंकि अब मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ ये इमेज ठीक है आप लोगों को नजर आ रहा है इमेज अब मेरा जो डाउनलोड हुआ हुआ है यस yes, अब मैं ये विंडो क्लोज करने लगी हूँ जो मैंने इमेज डाउनलोड करके आपको दिखा दिया आप लोग भी ऐसे ही अपना इमेज डाउनलोड करें और मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें मीटिंग ओवर होने वाली है तो मैं भी बंद कर क्लोज बंद करूंगी खुद से ताकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ फिर इसके बाद मैं आपको न्यू मीटिंग का लिंक सेंड करती हूँ ठीक है स्टूडेंट्स जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स बस टू मिनट्स वेट कर लें दो स्टूडेंट्स रह गए हैं और वो भी ज्वाइन कर लें जैसे ही तो मैं आपको अब आप, स्टार्ट uh, करवाती हूँ आगे कैनवा ओपन ही रखिएगा ठीक है अब हम आ, आगे कैनवा पे ही एक डिज़ाइन एडिट करना सीखेंगे मतलब एक टेम्पलेट हम कैसे एडिट कर सकते हैं पोस्ट करने के लिए फर्स uh, करें हम ट्विटर की पोस्ट बनाना चाहते हैं तो हम ये सीखेंगे कि हम ट्विटर की पोस्ट कैसे बनाएं जब ऑलरेडी uh, इनके कैनवा uh, टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है ना उन टेम्पलेट्स के थ्रू हम कैसे उनको एडिट करके मॉडिफाई करके हम कैसे अपनी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं और इसके बाद हम ना ये भी सीखेंगे कि अगर हमें की पोस्ट में से कोई पोस्ट नहीं हम यूज करना चाह रहे हैं हम अपना जो है ना स्क्रैच से बिल्कुल न्यू डिज़ाइन हमने एक क्रिएट किया है तो वो हम कैमरा पे कैसे डिजाइन कर सकते हैं ठीक है तो ये दोनों मेथड इनशाला मैं अभी आपको सिखाऊंगी तो बाकी स्टूडेंट्स जैसे ज्वाइन करें तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ एक स्टूडेंट रह गए चले मैं उनका वेट कर लेती हूँ एक दो मिनट के लिए तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप अपना कैनवा ओपन रखिए तब तक जी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को yes, yes. मैं जस्ट वन मिनट वेट करूंगी एक और हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो भी ज्वाइन कर लें फिर मैं स्टार्ट करती हूँ

जी स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि फिर हमारा फोर्टी मिनट का ही सेशन है तो नेक्स्ट काम कंप्लीट हो जाए ताकि इसलिए मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती आप लोग ना जैसे ही लिंक सेंड करूँ फ़ौरन ज्वाइन कर लिया करें जी अब आपने क्या करना है अब ना हम ट्विटर की पोस्ट डिजाइन करेंगे कि ट्विटर पे हम कैसे कोई को भी पोस्ट अगर हमने करनी है ना तो वो कैसे हम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको ट्विटर की पोस्ट का साइज पता होना चाहिए ना तो आपने साइज कैसे देखना है ट्विटर की पोस्ट का गूगल पे आपने यहाँ पे सर्च बार में ना सर्च करना है ट्विटर पोस्ट साइज ठीक है यहाँ पे मैंने लिखा ट्विटर पोस्ट साइज़ आप भी जल्दी से लिखिए गूगल में और सर्च कीजिए अब ये देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ ना वैसे तो ये टॉप पे भी शो हो रहा है मुझे ये साइज पोस्ट का लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ ना ये देखिए ये ना एक हॉट सूट ब्लॉग है इन्होंने ना हर मतलब फेसबुक की पोस्ट का ट्विटर पोस्ट वगैरह हर चीज़ का ना डिफरेंट एड्स वगैरह के भी में जो इमेजेस यूज होते हैं उनके साइजेस पे भी ब्लॉग लिखा हुआ है तो हम ना ये ओपन कर लेते हैं आप ये याद रखिएगा कि जब आप कोई भी साइज देख रहे हैं ना तो उसमें हॉर सूट का ये ब्लॉग आ रहा होगा आप ये ब्लॉग ओपन कर लिया करें इसमें ना सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है काफी ज्यादा उनके ना साइजेस इन्होंने डिफरेंट दिए होते हैं तो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं साइज कोई भी जैसे ये देखे इन्होंने ये चार्ट बनाया हुआ है कितना अच्छा कंपेरिजन कम्पे, किया हुआ है कि अगर आपने फेसबुक की पोस्ट बनानी है उसकी प्रोफाइल जो फोटो है उसका साइज क्या होगा इस तरह से ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के इन्होंने सबके साइजेस वगैरह शो किए हुए हैं तो हम यहां से देख लेते हैं कि अगर हमने ना ट्विटर की पोस्ट बनानी है तो उसका साइज क्या होगा अभी देखिये दो साइज रहे हैं एक पोर्ट्रेट साइज और एक स्क्वेयर में साइज शो हो रहा है ठीक है तो पोर्ट्रेट जो होता है ना वो होता है जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा पिक्चर्स लगी होती है ना वो पोर्ट्रेट्स में पोर्ट्रेट में लगी होती है उनकी जो होती है ना लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है विड से तो वो पोर्ट्रेट साइज होता है तो मैं फिलहाल ये पोर्ट्रेट साइज़ में एक पोस्टर आपको डिज़ाइन करना सिखाती हूँ ठीक है आप आप लोग पहले समझ लीजिए उसके बाद आप लोग भी कोई भी टेम्परे, टेम्परेट चूज़ करके ना तो आप लोग भी अपना डिज़ाइन क्रिएट कीजिएगा ठीक है फिर आपने वो अपना डिज़ाइन मुझे शेयर करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कैनवा पे जाना है यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन जो है ना ये वाला बटन इस पर मैंने क्लिक किया अब देखिए थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करें ये सबसे नीचे देखें ये कस्टम साइज है ना अगर मैं यहाँ कस्टम साइज पे क्लिक करूँ ना तो हम यहाँ पे खुद से साइज दे सकते हैं कैनवा को ठीक है तो अभी हम हमने जो यहाँ से साइज चेक किया था ना ट्विटर की पोस्ट का हमने वो देखना है कि ये वन जीरो बाय थर्टीन फिफ्टी है ठीक है टेन एटी बाय थर्टीन फिफ्टी तो ये आपने कस्टम साइज में खुद से जाके टाइप करना है अब ये देखें टेन एटी यहाँ पे हमने लिखना है विथ में और यहाँ पे हमने लिखना है हाइट में थर्टीन फिफ्टी ठीक है और यूनिट्स क्या रखने हैं पिक्सल ही रखने हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे मैंने न्यू डिजाइन पे क्लिक कर दिया अच्छा अब ये देखें ये जो हम फर्स ब्लैंक स्क्रीन शो हुई है ना इसका जो साइज है ना वो वही है जो हमने अभी सेलेक्ट किया था ठीक है टेन एटी बाय थर्टीन फिफ्टी अब मैं अगर इस यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ओपन करूंगी ना वो इस स्क्रीन के ऊपर जब आएगा तो वो इसी स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा मतलब इसी साइज में ही आएगा चाहे वो बड़ा टेम्पलेट है या छोटा है वो इस साइज के अंदर अंदर ही आपको शो होगा ठीक है इससे तो इसलिए हम पहले ही आ, जब अपनी पोस्ट डिजाइन करनी है पोस्ट का पहले हमने साइज देख लेना कि कितना अपना जो स्टैंडर्ड साइज है ना अपने वो देखने के क्या है वो साइज फिर आपने कस्टम साइज में जाकर चूज करके अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना पेज ओपन करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी पोस्ट डिजाइन करनी है ठीक है फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलरी की ही पोस्ट बना रही हूँ ठीक है मैं जस्ट ज्वेलरी ही लिखा है ठीक तो अब ये देखें ज्वेलरी के जो डिफरेंट पोस्ट वगैरह के टेम्पलेट्स है ना वो नीचे शो हो रहे हैं अब इसमें से मैं कोई भी चूज कर लेती हूँ जो मुझे थोड़ा सा सही लगेगा ना वो मैं लेती हूँ जितनी देर मैं देख रही होती हूँ ना कि मुझे कौन सा सूटेबल लग रहा है उतनी देर आप भी जल्दी से जो मैंने प्रोसीजर बताया वो फॉलो कर लिया करें अपना ओपन कर लिया करें फॉर एग्जाम्पल ये मैं खोलती हूँ मैंने जस्ट सिंगल क्लिक करना है तो ये खुद ही इसके अंदर आके भी फिट हो जाएगा अभी अभी लग रहा था ना कि साइड से पूरा नहीं आ रहा लेकिन अब ये देखें ये जो है ना पेड है क्योंकि इसके ऊपर ये कैनवा का वाटर शो, मार्क शो हो रहा है इसका मतलब ये पेड है तो हम ये यूज नहीं करेंगे जो पेड वाले होते हैं ना उसके लिए हम प्रो वरियन जो जिन्होंने बाय किया होता है ना वो उसको उनके लिए वो फ्री होते हैं वो यूज कर सकते हैं उसके लिए यहां पे ये फिलहाल इसमें ना एक गेट जिनों स्टार्टिंग में फ्री वेरियन लेने के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता स्टार्ट में आप फ्री ट्रायल के लिए जो है ना वन मंथ का फ्री ट्रायल ले सकते हैं उसमें आप फ्री इनके जो पेड इमेजेस है ना पेड इमेजेस को भी आप फ्री में यूज कर सकते हो तो फिलहाल तो मैंने इसका पेड वर नहीं लेना तो मैं क्या करती हूँ मैं इमेज कोई और टेम्पलेट चूज कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेम्पलेट चूज कर लेती हूँ ठीक है ये फ्री टेम्पलेट है अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि कोई टेम्पलेट फ्री है या पेड है जिस स्टूडेंट को पता है वो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताए कि कैसे पता चलता है कि कोई टेम्पलेट पेड है अगर नहीं पता किसी को भी ना तो का मैसेज कर दें और अगर पता है ना तो कैसे पता चलेगा कि पेड है आप मुझे वो मैसेज करके कर बताएं अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ जल्दी से मैसेज कीजिए ठीक है मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं है चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये देखें जो हम इमेजेस को स्क्रॉल डाउन करके देख रहे होते हैं ना कुछ इमेज के ऊपर ना क्राउन का साइन शो होता है वो क्राउन येलो कलर का क्राउन आता है उस क्राउन का मतलब होता है कि ये इमेज पेड है ठीक है फिलहाल तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये सारे ही फ्री आ रहे हैं मैं आपको कोई और ओपन करके दिखाती हूँ सपोज मैं एक और बार में ना कैनवा ओपन करती हूँ ठीक है अब मैंने यहाँ से ना मैंने यहाँ पे आ, सर्च बार में जस्ट लोगो लिख के ना सर्च करती हूँ अब लोगोस में ना बहुत सारे लोगोस जो होते हैं ना वो पेड होते हैं ये देखें ये कितने सारे लोगोज हैं जिन पे ये क्राउन का साइन है और मैं जब इनके पेपर लाती हूँ तो ऊपर प्रो भी लिखा जाता है मीन्स कि अगर आप इसका प्रो वेरिएंट खरीदेंगे ना परचेज कर लेंगे तो फिर आप इनको यूज कर सकते हैं अदरवाइज ये आप नहीं यूज कर सकते ठीक है ये सारे पेड है जिनके ऊपर क्राउन का ये येलो साइन शो हो रहा है समझ आ गई अब चले मैं अगेन अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे आ गई हूँ अब मैं इसको आपको एडिट करना सिखाऊंगी इसका ना मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि आपको शो हो जाए कि लिखा क्या है इसके ऊपर अच्छा अब ये देखिए ज्वेलरी कलेक्शन के ऊपर जो लिखा हुआ है ना हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सबसे पहले ना फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जगह लिख देती हूँ यूनिक एंड डिसेंट ज्वेलरी डिजाइन ठीक है यूनिक एंड

अब ये देखे मैं इसको मिड में लाई हूँ तो आपको मिड में ना एक पिंक कलर की लाइन शो हो रही है ना इसका मतलब ये है कि इस टाइम ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना ये इस पेज के बिल्कुल मिड में आ चुका हुआ है ये जो लाइन शो हो रही होता है ना ये एडजस्टमेंट लाइंस होती हैं ये आपको बताती हैं कि आपका टेक्स्ट इस टाइम मिड में आ गया है या नहीं आया ठीक है तो आप इन लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं अब ये बिल्कुल मेरा मिड में है मिड लाइन है तो मैं इसको यहाँ पे रख बस कर देती हूँ इसके बाद ना देखें इसके अंदर ना ये जो इमेजेस है ना हम इन इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा ये एलिमेंट्स कुछ हो रहे हैं हम इन एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं तो मैं आपको ये बता आ, ना कुछ एलिमेंट्स चेंज करके दिखा देती हूँ ये हमने एक्चुअली चेंज इसलिए करे होते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कॉपीराइट इशू नहीं ना आए ठीक ताकि तो इसके लिए हमने टेक्स भी चेंज करना होता है एलिमेंट्स भी चेंज करने होते हैं कलर्स भी कोशिश करें वो भी चेंज कर दें ठीक है तो जितना ज़्यादा आप उसको मॉडिफाई कर देंगे ना उतना ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका जो इमेज है ना उसके ऊपर कॉपी आएगा तो हमने एलिमेंट्स में जाना है एक मिनट स्टूडेंट रुकेगा जस्ट फॉर वन मिनट जी ठीक है अब ये देखें एलिमेंट्स में हम गए एलिमेंट्स में ना आपने यहां पे ना नीचे देखें कुछ एलिमेंट्स जो शो हो रहे हैं जल्दी फाइंड आउट करने के लिए ना यहाँ की वर्ड लिख के सर्च कर लिया करें क्योंकि वैसे अगर मैं ड्रैग करके फाइंड करती रहूंगी ना काफ़ी टाइम लग जाता तो मैंने कीवर्ड लिखा एलिमेंट्स में और देखें फ़ौरन से जो मुझे चाहिए ना उस टाइप के आ गए हैं अब ये मुझे लीव्स वाले चाहिए थे ना तो ये लीव्स वाले आ गए मैं सी ऑल पे क्लिक किया इसमें से ना मैं कोई भी लीव स्लेक्ट करती हूँ अब इसमें भी देखिए कुछ पे क्राउन आ रहा है ना तो ये पेड है मैं वो नहीं यूज़ करूंगी मैं वो वाला ले लूंगी जिसके ऊपर क्राउन नहीं है ठीक है यानी वो फ्री वाला वरी जो है ना ग्राफिक में मैं वो चूज कर लेती हूँ ले काफी बड़ा है मुझे इसको ना छोटा करना है छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगी ये आल्ट प्रेस यहाँ पे आल्ट प्रेस करके रखूंगी और फिर मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगी ठीक है तो अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया इसके बाद मैंने क्या करना है इसको थोड़ा सा ना रोटेट करना है रोटेट करने के लिए ना ये देखें ये जो मेरी सिलेक्शन है ना इस सिलेक्शन के नीचे ना ये टू एरोस शो हो रहे हैं इन एरोस पे अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे ना ऊपर की तरफ तो ये थोड़ा सा मूव हो रहा है तो अब मुझे ये डायरेक्शन ठीक लग रही है अपने इमेज के लिहाज से ठीक है तो ये वाली डायरेक्शन मैंने इसको कर लिया और जो पहले वाला जो था ना जो पहले वाले एलिमेंट्स थे वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ उसको मैंने सेलेक्ट करना है जस्ट बैक स्पेस क्लिक करना है ठीक है अब ये वाले को मैंने थोड़ा सा आगे ले आई इसका भी मैं कलर भी चेंज करना आपको सिखाऊंगी आप आप इस एलिमेंट का ठीक है जो हमें हम ऐसमीज के लिए हाथ से बेटर लगेगा ना हम वो वाला कलर चूज करेंगे अभी जैसे मैं इसकी आपको अलाइनमेंट सिखा रही हूँ अब देखें ये वाला जो है ना इसी की कॉपी हमने इस तरफ भी लानी है तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और कंट्रोल वी किया अब इसकी कॉपी आ गई ना अब मैं इसकी कॉपी को अगर मैं दूसरी साइड पर लेके जाऊँ तो देखें इसकी डायरेक्शन देखें हमें चाहिए कि इसकी ये इन्वर्ट हो जाए मीन्स कि इसकी डायरेक्शन जो है ना इस ब्रेसलेट की साइड पे हो जाए तो इसकी डायरेक्शन को इस तरफ लाने के लिए हम क्या करेंगे ये देखें ऊपर फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है ठीक है इस फ्लिप में ना एक आ रहा होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली और एक आ रहा होता है फ्लिप वर्टिकली तो अगर हम हॉरिजॉन्टली करेंगे ना तो अब ये देखें ये थोड़ा सा मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है लेकिन ना अभी मुझे थोड़ा सा इसको रोटेट करना पड़ेगा नीचे को ताकि ये सही पोजिशन में आ जाए ठीक है अब मैंने इसको थोड़ा सा इसके क्लोज किया ठीक है तो मैंने एलिमेंट्स चेंज कर दिए ताकि ना मुझे कॉपीराइट राइट इशू ना इसके अलावा ना आप यहाँ से इन एलिमेंट्स को ना कलर uh, चेंज करने के लिए क्या करें एलिमेंट सिलेक्ट करें यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक करें ठीक है ये देखें अब इसमें ना नीचे जो एलिमेंट्स है ना उसके कलर्स की थोड़े डिफरेंट डिफरेंट वो आ रहे होते हैं वेरियंट्स मैं सीए ऑल पे क्लिक कर देती हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला कलर करती हूँ और इस वाले का भी मैं कलर कर देती हूं, यही। आप पता क्या किया करें दोनों को कट्ठा शिफ्ट से सिलेक्ट किया करें और फिर कलर चेंज करें <laughs> सिलेक्शन नहीं हुई दोनों की नहीं कट्ठा सिलेक्ट करके नहीं हो रहा मुझे अलग अलग ही करना पड़ेगा जी ये मैंने लेट वाले पे क्लिक किया ना तो मैं इसका नेम याद रखूंगी ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे कि मैंने इसी पे ही कर था ठीक है अब दोनों का कलर मैंने चेंज कर दिया ठीक है अब वो थोड़ा कलर जो है ना मुझे इमेज के लिहाज से लग रहा है कि भाई उससे थोड़ा मैचिंग हो रहा है अगर आपको फिर आप फाइंड आउट किया करें डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करके देखा करें जो आपको लग रहा है ना कि ये वाला इमेज में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर आप वो वाला कर दिया करें वैसे अगर ये ग्रीन भी रखा जाए ना तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है टेक्स्ट में तो फिर मैं इसलिए इसको ग्रीन ही रहने देती हूँ वैसे मैं आपको सिखा रही हूँ कि इमेज के जो आपने एलिमेंट्स लिए ना उसके कलर्स चेंज हो सकते हैं ठीक है उसके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे हमने चेंज करना है एडिट इमेज पे जाना है और जो डिफरेंट वरियंट इसके डिफरेंट फिल्टर्स आ रहे हैं ना उन फिल्टर्स में से कोई भी अप्लाई कर दे आप तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हो आप लोग ठीक है अच्छा इसके बाद हमने क्या करना होता है ये जो इमेज आ रहे हैं ना हम इन इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होता है और ना आप यहाँ से कोई इमेज जो है ना जो आपने सेव किया हुआ वो अपलोड कर सकते हो तो ये मैंने पहले से अपलोड किया था इमेज सेव थे तो मैं यहाँ से ही वो ड्राइव करके ले आती हूँ यहाँ पर ठीक है अब इस इमेज को देखें मैं इस सर्कल के ऊपर लेके आ रही हूँ ये अभी पीछे देखें इस इमेज के पीछे ना एक सर्कल ब्लड सी फॉर्म में शो हो रहा है और उसके अंदर पूरे ये ईयरिंग्स शो हो रहे हैं इसका मतलब ये इमेज अगर मैं छोड़ दूंगी ना तो इस सर्कल के अंदर चला जाएगा ठीक है तो ये मैंने इमेज इस तरह से चेंज कर ली इस तरह से आप बाकी सारे इमेजेस को चेंज कर सकते हो इसके बाद ना इन इमेजेस का टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको ना ड्रैग करती हूँ और मतलब जूम करती हूँ ताकि ना इसका टेक्स्ट शो हो और हम इसको चेंज कर सकें अच्छा ये देखें ये जो इयरिंग्स है ना ये थोड़े मल्टी शेड्स हैं और मुझे लगता है कि ये ना जैसे मेहंदी पे पहने जा ड्रेसिस के साथ ना अच्छे मैचिंग हो जाते हैं तो इसका मैं मेहंदी इयरिंग्स जिसका नेम रख लेती हूँ आप कोई भी नेम रख लें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब इसके नीचे जो टैक्स है ना वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना जो आप सेल आउट कर रहे हैं वो क्या है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेरी मल्टी शेड एंड फ्लोरल भी है ठीक है तो मैं मल्टी शेड फ्लोरल एंड फ्लोरल लिख देती हूँ यहाँ पे ठीक है मल्टी शेड एंड फ्लोरल ठीक है नहीं मुझे मल्टी शेड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ठीक है अब देखें ये जो सेकंड वाले है ना इसमें उन्होंने लिखा है फाइन गोल्ड विद डायमंड बॉल्स देखें हम गोल्ड तो सेल नहीं ना कर रहे तो हम इसको चेंज कर देते हैं हम गोल्डन लिख देते हैं कि ये गोल्डन कलर में है ठीक है फाइन को मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि हमारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है ठीक है डायमंड की जगह मैं वाइट बॉल्स कर देती हूँ व्हाइट पर्ल्स कर लेते हैं बोल्स की जगह ठीक है वो ज्यादा सूटेबल लगेगा ना ओके okay. अब ये वाला जो है इसमें भी हम चेंज कर देते हैं थोड़ा इसको हम कर लेते हैं एटीन के वाइट गोल्ड स्पार्कल यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये सिल्वर कलर में ना तो मैं यहाँ सिल्वर लिख देती हूँ ठीक है सिल्वर विद वाइट स्पार्कल ठीक है अच्छा इसके बाद आप ना इनकी प्राइसेस भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो डॉलर्स में दी हुई है ना तो आप अपनी प्राइसेस अपने आइटम के लिहाज से रुपीस में लिख दें तो ये मैं थ्री फिफ्टी रुपीज लिख देती हूँ एक्चुअली टैक्स बहुत छोटा है और नजर नहीं आ रहा इसलिए इजीली हो नहीं रहा अच्छा अब हम यहाँ पे ना इसकी भी प्राइस को चेंज कर देते हैं फोर फिफ्टी रुपीज कर देती हूँ इससे ओके और ये मैं फाइव हंड्रेड रुपीज कर रही हूँ इसको डबल क्लिक करेंगे ना ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है मैं बैक स्पेस करके डिलीट कर देती हूँ फिर फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक अब यहाँ पे नीचे जो है ना शॉप ना हो उन्होंने अपनी वेबसाइट लिखी हुई है तो हम यहाँ पे ना अपने जो स्टोर है ना उसकी वेबसाइट लिखेंगे मेरे, हमारा स्टोर है ना लेट उसका नाम है एस टी शॉपिंग तो मैं यहाँ लिखूंगी एस टी शॉपिंग तो टेक्स्ट भी चेंज कर दिया इसी तरह से बाकी जो इमेजेस है ना वो भी आपने चेंज करने हैं ये फिलहाल मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए इतना ही किया है ताकि आप लोगों के पास टाइम बचे आप लोग अपना भी काम कर करके मुझे दिखा सके अच्छा इसके बाद ना जब भी आप कोई पोस्ट बनाए ना आप अपना लोगो जरूर उसके ऊपर लगाया करें यहाँ पे टॉप के ऊपर इसका ना अपना लोगो लगाना होता है जो स्टोर का लोगो है या फिर जो भी आपका ब्रांड है ब्रांड का लोगो आपने प्लेस करना होता है तो वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ था वो भी मैं सर्च आउट करती हूँ तो मैं वो प्लेस कर देती हूँ जितनी देर में अपना लोगो सर्च करी ना उतनी देर में आप लोग अपना कोई भी टम्पलेट बनाना शुरू करें जल्दी से जी यहाँ पे मेरा लोगो था अच्छा ये लोगो जो है ना मुझे मिल गया अपना जो मैंने अपलोड पहले का किया हुआ था मैं इसको ना ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज जो है ना वो थोड़ा छोटा कर रही हूँ ठीक है और फिर मैं इसको टॉप के ऊपर लगा दूंगी अब ये देखिए मेरा जो लोगो है ना इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी एक ना रिक्टेंगल बनाऊंगी और रिक्टेंगल को इस लोगो के पीछे प्लेस कर दूंगी तो ये थोड़ा सा ताकि प्रोमिनेंट हो जाए और मैं इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ओके okay. अब इसके पीछे ना हमने लगाना है एक अदद रिक्टेंगल रिक्टेंगल कैसे बनाते हैं जी ये एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स में जाके आपने यहाँ से शेप्स में देखें रिक्टेंगल आ रहा है इस रिक्टेंगल को आपने ना यहाँ पे लाना है और इसका साइज छोटा करना है ठीक है इसे भी मैंने ओल्ड प्रेस करके ना थोड़ा सा ओल्ड प्रेस किए बगैर अगर करूंगी ना तो ये किसी भी शेप मतलब लेंथ बिट सेम नहीं भी होगी तो हो जाएगा लेकिन अगर मैं ओल्ड प्रेस करूंगी इसकी लेंथ जो है ना वो फिर सेम रखता है वो तो मुझे सेम नहीं चाहिए था इसलिए मैंने ओल्ड प्रेस किए बगैर ही इसको क्लिक किया है और सॉरी ड्रैग किया अब देखिए मैं इसका कलर बिल्कुल वाइट करना चाहती हूँ तो मैंने कलर वाइट कर दिया अब स्टूडेंट्स एक और चीज देखिएगा जल्दी से ना ये एक चीज है ये गौर से आप लोग समझ लें क्योंकि इसका ना आगे वाले जो हम काम करेंगे ना उसमें बहुत यूज है जैसे जो लेयर्स होती है ना एक नीचे लेयर होती है उसके ऊपर एक और लेयर हम लग, होती है इसी तरह से भी पीछे एक लेयर है और उससे आगे एक और लेयर है तो हम चाहते हैं कि ये जो आगे वाली लेयर है ना ये पीछे चली जाए ताकि पीछे पीछे वाली आगे आ जाए ताकि वो पीछे वाली हमें नजर आए लोगों हमें नजर आए ना व्हाइट कलर के ऊपर तो हम लोगों को आगे लाना चाहते हैं इसको पीछे लेके जाना चाहते हैं तो पीछे हम कैसे लेके जाएंगे उसके लिए आपने क्या करना है इसके ऊपर ना राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें ये लेयर्स हो रही है ना इस लेयर्स में उन्होंने पूछ लिखा हुआ है सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक अगर मैं सेंड बैकवर्ड करूंगी ना तो ये एक लेयर पीछे जाएगा अगर मैं सेंड टू बैक कर दूंगी ना तो ये सारी लेयर्स से एंड में चला जाएगा ठीक है मीनस ये देखें इस टाइम मेरे इस इमेज में कितनी लेयरस है कौन बताएगा सोच के बताए इस इमेज में इस टाइम कितनी लेयर्स हैं चैट बॉक्स में बताइए अदरवाइज मैं बता बता दूंगी अगर तब आपको गलत भी है ना मतलब नहीं सही पता ना तो घबराए नहीं आप बताएं मैं आपको सही वाला फिर बता दूंगी ठीक है जी मोस्टली सही बता रहे हैं स्टूडेंट्स तीन लेयर्स हैं ठीक है तीन कौन सी लेयर्स हैं एक लेयर तो ये रिक्टेंगल हो गया ना और एक इस रिक्टेंगल से पीछे क्या है जल्दी से बताइए रिक्टेंगल से पीछे कौन सी लेयर है शाबाश लोगो की लेयर है अब रेक्टेंगल के पीछे मेरे लोगो है और लोगो के पीछे एक और लेयर है वो कौन सी है थर्ड लेयर कौन सी है शाबाश बैकग्राउंड ये पोस्ट का जो बैकग्राउंड है वो मेरी थर्ड लेयर है देखें अगर तो मैं इसको ना यहाँ पे करती हूँ लेयर्स पे क्लिक करती हूँ और यहां पे मैं सेंट टू बैक कर देती हूँ ना तो ये जो रेक्टेंगल है ना ये बिल्कुल बैक पे जाएगी बिल्कुल एंड पे सारी लेयर्स के एंड पे मींस means... सबसे आखिरी लेयर इस टाइम मेरी बैकग्राउंड है ना ग्रीन वाला तो मतलब मेरी जो रिक्टल है ना उससे भी पीछे चला जाएगा तो मेरा जो लोगो है ना वो फिर मुझे ग्रीन कलर के ऊपर शो होगा तो मुझे ग्रीन पे नहीं लाना ना लोगो व्हाइट पे ही लाना है मीनस मुझे इस रिक्टेंगल को जस्ट वन लेयर बैक लेके जाना है सारी लेयर्स के पीछे नहीं लेके जाना ठीक है तो एक लेयर जब हमने पीछे लेके जाना हो तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं ठीक है सेंड टू बैक पे नहीं क्लिक करते हैं मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगी अब ये देखें ये मेरा जो रिक्टेंगल था ना वो एक लेयर पीछे गया और उसके पीछे वाली जो लेयर थी वो आगे आ गई तो अब मुझे एस टी शॉपिंग इसके ऊपर शो होना शुरू हो गया ठीक है तो इस तरह से हमारा जो लोगो है ना वो थोड़ा सा अगर मैंने देखें मैंने इसको लोगो को बिल्कुल इस रिक्टेंगल के मिड पे प्लेस कर दिया और अब देखें ये लोगो जो है ना इस इमेज पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी हो रहा है ये मैंने सिर्फ इसलिए रिक्टेंगल लग, बनाया ताकि मुझे अपना लोगो प्रोमिनेंट करवाना था ताकि वो अच्छे से नजर आए सबको ठीक है तो अब ये मेरा तो फाइनल हो गया है बस इसमें एक दो और हैं इमेजेस इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब इनकी जगह मैं कोई और अपलोड कर सकती हूँ बाकी तो मेरा फाइनल हो गया है तो अब आप लोग जल्दी से बनाए उतनी देर मैं यहाँ पे अपने दो इमेज है ना कोई भी लगा लेती हूँ सिलेक्ट करके वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे जस्ट अब सिलेक्शन करनी है ठीक है वो मैं अपलोड में सिर्फ पहले किया मैं उनमें से करती हूँ तो आप लोग भी जल्दी से बनाएं फिर आप लोग अपना अपना काम जो है ना पोस्ट मुझे शेयर कीजिएगा ठीक है मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर रही हूँ जो मैंने पहले से अपलोड हुए हैं स्टूडेंट्स ये मीटिंग खत्म होने वाली है जल्दी जल्दी से करें जैसे ये मीटिंग खत्म होगी ना आप लोगों ने अपने अपनी पोस्ट जो है ना मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में ही सेंड कर देनी है ठीक है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक फाइव मिनट्स के बाद ही सेंड कर सकती हूँ क्योंकि फाइव मिनट से पहले न्यू मीटिंग स्टार्ट का लिंक नहीं जनरेट होता ठीक है तो उन फाइव मिनट्स में हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं आपका चेक कर लूंगी सबका पोस्ट uh, डिजाइन फिर मैं उसके बाद आपको uh, इनशाला नेक्स्ट जो मीटिंग लिंक सेंड करूंगी ना उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर हमने टेम्पलेट यूज नहीं करना हमने uh, अपना कोई डिजाइन सोचा हुआ है पेपर पे हमने ड्रॉ कर लिया कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद है मैंने ऐसी पोस्ट बनानी है बिल्कुल तो वो हम बिल्कुल ब्लैंक पेज के ऊपर ना शुरू से पूरी पोस्ट कैसे बनाएंगे ठीक है वो मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगी इन तो अभी आप जल्दी से ना अभी फाइव मिनट्स हैं तब तक आप फाइव मिनट्स तक करें अपना पोस्ट डिजाइन और मैं इसमें इमेजेस लगा लेती हूँ अपने i think my yellow ball of you Mm-hmm. जी स्टूडेंट्स मैं बस टू मिनट्स और वेट कर रही हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें ठीक है आ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना काम कैनवा ओपन करके रखिए आप लोग भी और तो ना पर चलो इसमें जो पढ़ते हैं हाँ अपन समझना पड़ेगा ये चीज़ ये तो हाँ ये ये ये

जी मुझे माह ने भी ग्रुप में सेंड व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी है अपनी पोस्ट इनकी पोस्ट भी अच्छी बनी है और ने भी सेंड कर दी है ठीक है और बाकी स्टूडेंट्स की पोस्ट कहाँ पे है रिया आपकी पोस्ट अभी डिजाइन कंप्लीट नहीं हुआ और अच्छा राबिया ने मुझे कहा था कि उन्होंने लास्ट टाइम मीटिंग जो थी वो लाइट जाने की वजह से उनकी लेट ज्वाइन हुई थी तो इसलिए उन्हें स्टार्टिंग प्रोसेस नहीं पता लेकिन वो बाद में बना लेंगे ठीक है तो राबिया की तो चले मुझे रीजन पता चल गया कि वो बाद में बना के मुझे सेंड कर देंगे और बाकी चलिए स्टूडेंट्स अब आई थिंक फाइव मिनट्स तो हो गए हैं हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना काम अब आज जिन स्टूडेंट्स की रह गई है ना पोस्ट वो क्लास के एड एंड होने के बाद मतलब जो थोड़ा बहुत प्रोसीजर रह गया उनका काम रह गया ना क्लास एंड होने के बाद कंप्लीट करके ना मुझे तो हाफ आवर तक क्लास के एंड होने के बाद हाफ आवर टाइम है आपके पास उसमें अपने कंप्लीट करनी है अपनी पोस्ट और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ठीक है चले अब ना आपने क्या करना है हमने एक ना ब्लैंक पेज पे ना खुद से एक पोस्ट डिजाइन करनी है विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट उसके लिए हमने क्या करना है फॉर एग्जांपल सपोज हम एक ना फेसबुक पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि फेसबुक पोस्ट का साइज क्या है तो हमने यहाँ से ना गूगल से सर्च आउट करना है फेसबुक पोस्ट साइज जैसे हमने ट्विटर का सर्च किया था ना वैसे ही अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इनका ब्लॉग लिखा है इसमें उन्होंने अच्छे कंपेयर कंपेयर भी किया हुआ है ये हॉट सूट ब्लॉग है ठीक है ये इसका नेम आप याद रखें हॉट सूट जब तो जब आप कोई भी साइज सर्च करें ना नीचे ये ब्लॉग ऑटोमेटिकली आ जाता है तो आप इस पे क्लिक करके ना इसमें से साइजेस देख लिया करें अच्छा ये देखें जी इसमें फेसबुक में ना पोस्ट का साइज उन्होंने बताया कि पोर्ट्रेट जो पोस्ट है ना वो सिक्स हंड्रेड है और जो स्क्वायर में वो 1200 1200 है है वो तो मोस्टली हमने देखा होगा जो मोबाइल पे पोर्ट्रेट पोस्ट सारी होती हैं तो लेटोज हम ये वाली पोर्ट्रेट पोस्ट का साइज लेते हैं और ना ये वाला साइज की हम एक पिक्चर बनाते हैं सिक्स थर्टी बाय ट्वेल्व हंड्रेड की एक पोस्ट डिजाइन करते हैं यहाँ से हमने क्लिक करना है क्रिएटर डिजाइन पे और हमने कस्टम साइज लेना है सिक्स थर्टी बाय ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है और यहाँ पे क्रिएटर न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है आप लोग भी साथ साथ अपने इसी तरह से ओपन कर लें पेज ठीक है ये ओपन करने के बाद आपने क्या करना है ये ना मैं बिल्कुल स्क्रैच से मतलब बनाना सिखा रही हूँ आपको कि आपने ना इसमें कोई अपना अलग से न्यू टेम्पलेट यूज नहीं करना ठीक है जो इधर से यू पहले से मौजूद टेम्पलेट्स है ना वो नहीं यूज करना है जस्ट कुछ इमेजेस यूज करेंगे एलिमेंट्स यूज करेंगे बिल्कुल एक अपनी न्यू पोस्ट बना लेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मेरे मुझे ना इंडोर प्लांट्स के ऊपर एक पोस्ट डिजाइन करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लांट्स एलिमेंट्स में जाकर मैंने प्लांट्स लिखा ठीक है अब यहाँ पे देखें काफी सारे प्लांट्स आ रहे हैं कि जो है ना इमेजेस शो हो, हो रहे हैं अगर मैं ग्राफिक्स में जाऊ ना तो इसमें देखें सॉरी ग्राफिक्स में नहीं क्योंकि मुझे पूरी एक अपनी पोस्ट डिजाइन के लिए मुझे एक पूरी पिक्चर चाहिए फोटो चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी ग्राफिक्स देखें ये वाले होते हैं जिस तरह ऐसे फील हो रहा है ना जैसे खुद से हैंड से बनाई हुई चीजें और फोटो में ऐसा लगता है जैसे मोबाइल कैमरा से ली हुई पिक्चर्स है ना तो हमें ऐसी पिक्चर चाहिए जो रियल फील हो थोड़ी सी तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक पिक्चर ले ली है अच्छा मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा आ रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर अब देखिये थोड़ा सा बड़ा हो गया अब मैं ना इसको थोड़ा सा अलाइन करती हूँ मिड पे और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ भी बड़ा करती हूँ और नीचे की तरफ भी इसको साइज इंक्रीज कर लेती हूँ ठीक अब आपने ये देखना है दोबारा से कि मिड पे आ जाए अब ये मिड में है ठीक है आप क्या करते हैं फर्ज करें कि मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी ना एक ब्राउन कलर का एलिमेंट हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगी एलिमेंट्स में जाऊँगी और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्क्वेयर शेप सेलेक्ट की सॉरी स्क्वेर ठीक है अब इस शेप को ना यहाँ पे ऊपर लेके आए टॉप कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे और थोड़ा सा इसका साइज मैंने ना राइट साइड पे ना इंक्रीज कर दिया इसको टेंगल बना लिया है थोड़ा सा अब ना मुझे इसका कलर चेंज करना है ठीक है कलर चेंज करने के लिए हमने क्या करना है ये सर्कल में कलर लिखा हुआ है ना इसके ऊपर क्लिक किया अब ये देखे यहाँ से ना अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स के कलर्स में ना जैसे मुझे येलो सा कलर चाहिए ना तो जो, जो डॉक्यूमेंट कलर्स कैनवा ने पिक किए हैं ना उनमें येलो कलर शो ही नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगी ये प्लस साइन पे मैं क्लिक करूंगी ठीक है और ये नीचे देखिए पेंसिल शो हो रही है मैंने पेंसिल पे क्लिक किया अब ये अब ये मैं जब जहां पे भी लेके जाऊंगी ना जब, आपके डॉक्यूमेंट्स के कलर्स वहां से ये पिक कर रहा है ठीक है ये सर्कल के अंदर जो स्क्वेयर आ रहे हैं ना छोटे छोटे से बॉक्सेस ये पिक कर रहे हैं पीछे वाले बैकग्राउंड कलर्स को ठीक है मैं जहा रख के क्लिक कर दूंगी ना तो ये मिड में जो एक स्क्वेयर आ रहा है ना जो थोड़ा सा उसका बॉर्डर डार्क है वो वाला स्क्वायर के नीचे जो सा कलर भी आया होगा ना अगर मैंने क्लिक कर दिया ना तो वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा और वो कलर इस रिक्टेंगल में आ जाएगा जिस रिक्टेंगल के लिए हमने भी कलर चेंज करने के लिए क्लिक किया था ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ना ये येलो कलर ही चाहिए ये वाला तो मैंने ये कर दिया अब ना देखिये ये बिल्कुल इसको ना मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो रेक्टेंगल है ना ये हमारे इस इमेज के ना पीछे वाले लेयर पीछे चला जाए और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट शो हो ये पीछे ये वाला हिस्सा जो है ना ये वाला हिस्सा ये इस इमेज के पीछे चला जाए तो उसके लिए मैंने क्या आपको बताया था आपने राइट क्लिक करना है और ये लेयर्स में जाना है और यहाँ से आपने ना सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देना ठीक है तो यहाँ से मैंने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया अब ये मेरा पार्ट पीछे चला गया जो पिक्चर के ऊपर आ रहा था ठीक है यहाँ से मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरफ से मुझे लंबा चाहिए एक्चुअली ये ना आपने पहले से अपने पोज का डिजाइन सोच ले के, के अपने पेपर पे ड्रॉ कर लेना है कि मुझे इस तरह का चाहिए फिर आप मतलब जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना वो अपने डिजाइन सोचते हैं खुद से फिर उसको ड्रॉ करते हैं फिर बनाते हैं ठीक है तो इसी तरह से आपने भी पहले सोचना है उसको ड्रॉ करना है किसी पेपर के ऊपर अच्छे सा ड्रॉ करने के बाद आपने उसको यहाँ पे खुद से बनाना है सोचना है कि मुझे कौन सा एलिमेंट यहाँ लाना है कैसे वो जो है ना यहाँ पे बनेगा अच्छा अब मुझे ना चाहिए मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा ये वाला जो कलर कलर है ना थोड़ा ब्राइटर शेड में आए ये बहुत डल सा शेड है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी मैं यहाँ पे ही प्लस साइन पे क्लिक करूंगी और ये जो स्लाइडर है ना इसको मैं थोड़ा सा ऊपर को मूव करूंगी ये देखिए अभी थोड़ा सा कलर जो है ना ब्राइटर शेड में जा रहा है ठीक है बस मैंने इसको थोड़ा सा ब्राइट किया अब मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से और पेस्ट करके ना तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी पेस्ट कर देती हूँ ठीक है अब देखें अब मैंने क्या करना है मैंने ना एक टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ रूम, रूम प्लांटिंग ही लिखना ठीक है, है तो उसके लिए मैंने क्या करना है टेक्स्ट पे क्लिक किया ठीक है अब यहाँ से हेडिंग पे अगर मैं क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे बोल्ड थोड़ा सा बड़ा सा टेक्स जो होगा और थोड़ा बोल्ड फॉर्म में उसको मैं रेस करके यहाँ पे लिख देती हूँ रूम ठीक है और इसको मैं थोड़ा सा अब क्या करूंगी ऊपर ले जाऊंगी यहाँ पर ठीक है और मैं इसकी एक कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट करती हूँ सॉरी ये अभी कॉपी इसलिए नहीं हुआ कि ये सिलेक्टेड नहीं था अब होगा ठीक है अब मैंने इसको एक पार्ट में एक कॉपी करके ना नीचे ले आई हूँ अब मैंने यहाँ पे इसको रेस करके लिखना है प्लांटिंग पी एल ए एन टी आई एन जी ठीक है अब ये जो प्लांटिंग है ना ये मैं चाहती हूँ कि ये वाला मैं ना इसको अनबोल्ड करू और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दू लेट्स बोल मैं इसका साइज कर देती हूँ यहाँ से थर्टी ठीक है अच्छा अब ना मुझे इन दोनों को ना मतलब ये रूम को और प्लांटिंग को इन दोनों को इकट्ठा शिफ्ट प्रेस करके ना हमने इन दोनों को सिलेक्ट इकट्ठा कर लेना करने के बाद हमने क्या करना है इनको अलाइन करना है राइट अलाइन ठीक है अच्छा एक तो मैंने आपको ये बताया था ना कि हम यहाँ से अलाइनमेंट्स चेंज करते हैं इसके अलावा ना देखिए हम यहाँ से पोजीशन पे गए और यहाँ पे भी अलाइन एलिमेंट्स आ रहा है ठीक है इसमें जाके भी आप इसको अलाइन कर सकते हैं फिलहाल तो मैंने लेफ्ट कर दिया था ना इधर से अलाइन तो वो पहले से ही लेफ्ट शोर है अगर ना किया होता ना तो फिर इधर ये जो है ना इसमें मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती थी ये डिसेबल्ड नहीं होता ये डिसेबल्ड डिस इसलिए हुआ, हुआ है क्योंकि मैंने लेफ्ट लाइन कर लिया हुआ है इसको अगर तो तो सेंटर पे क्लिक करती हूँ तो ये सेंटर लाइन हो गया आप देखिए सेंटर लाइन हो गया तो एक मतलब हो गया ना तो सेंटर को उन्होंने डिसेबल कर दिया कि आप ये कर चुके हो सेंटर तो मैं दोबारा लेफ्ट पे किया तो ये दोबारा लेफ्ट पे चला गया ठीक है इस तरह से आपने इन दोनों को कर लेना है अलाइन और थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर लेते हैं थोड़ा सा बस ठीक है इसके बाद ना सपोज मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे ना एक लोगो आ आजे प्ला, रूम प्लांटिंग के अकॉर्डिंग को, कोई भी तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगी ठीक है और मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लांट्स लोगो देखिए हम ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स सर्च करके ना तो उससे अपना एक पूरी पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं ज्यादातर चीजें देखिए मैंने आ, एलिमेंट्स वाले पार्ट्स में से जाके सर्च आउट किए ठीक है तो इसमें मैंने सी ऑल ग्राफिक्स पे क्लिक किया और इसमें से मैं कोई भी लोगो चूज कर लेती हूँ फर्ज कर मैंने ये लिया अब मैं इसका कलर चेंज करूँगी ठीक है वो आप परेशान नहीं हो ओल्ड क्लिक करना है और इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल किया थोड़ा सा नॉर्मल अच्छा अब इसका कलर कैसे चेंज करेंगे यहाँ कलर पे क्लिक करना है आपने थोड़ा सा इसके कलर को आप ब्राइटर की तरफ ले दें ऊपर की तरफ ठीक है ये ठीक है क्योंकि ये अब थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं ठीक है अब हमने क्या करना है इसके ना मैं चाहती हूँ इसकी ना लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक टेक्स लिख दू और इसके अलावा इसकी राइट साइड पे भी एक टेक्स लिख दू ठीक है उसके लिए ना मैं ये टेक्सट यहाँ से चूज करूंगी और फॉर एग्जाम्पल मुझे बारीक लिखना है ज्यादा मोटा नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल चूज कर लेती हूँ और अब मैं इसमें लिख देती हूँ प्लांटिंग के जो फायदे हैं ना उनमें से मैं कुछ लिख देती हूँ कि प्लांटिंग से आपकी जो है बूस्ट होता है मूड बूस्ट अच्छा हो जाता है तो बूस्ट मूड लिख देती मैं ओके और मैं थोड़ा थोड़ा सा सा इसका साइज भी बड़ा कर लेती ज़्यादा छोटा ठीक है, है अब आपने क्या करना है सिंपली हमने इसको इस बार में लेकर आना है तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे लाके इसको रोटेट करूंगी थोड़ा सा ये देखिए नीचे रोटेट के लिए आ रहे हैं ना रोज यहाँ पे मैंने इस, इसके थ्रू इसको

डायरेक्शन चेंज करनी है मैं इसको फिर से दोबारा से इसको रोटेट कर रही हूँ ठीक है अब मैंने इसको रोटेट करके इस डायरेक्शन में कर दिया है थोड़ा सा ना मैं इसको मिड में कर देती हूँ अपनी इस बार व्हाइट बार में ठीक है अब इस टेक्स्ट को हमने चेंज करना है जाहिर दोनों जगह पे हम एक ही उसका बेनिफिट नहीं लिखेंगे इधर बूस्ट मोड लिख दिया इधर में प्योरीफाईर लिख देती हूँ एयर को प्योरीफाई करते हैं ठीक है तो मैंने लिख दिया पी ओ आर आई एफ आई प्योरीफाई तो हमने दो डिफरेंट किस्म के ना उसके बेनिफिट्स लिख दिए अब हम क्या करेंगे एक ना हम यहाँ से क्यू कोड ले सकते हैं क्यू कोड वो भी हमने एलिमेंट्स में से ही फाइंड आउट करना है ठीक है एक मिनट स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स नहीं ये टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ इसलिए वो टेक्स्ट में आ नहीं रहा ये मैं पहले एलिमेंट सिलेक्ट करूंगी फिर मैं यहाँ पे करूंगी क्यूआर कोड ठीक है अब ये देखिए कुछ क्यू आर कोड्स के ऊपर क्राउन्स हो रहे हैं वो तो है हमारे पेड वो हम नहीं देंगे अब पहले सीआल पे क्लिक करें तो आखिर ज्यादा शो हो तो उसमें से फ्री वाला जो है ना वो चूज कर लें ये देखें ये फ्री है मैंने ये चूज किया और मैं इसको ना यहाँ पे लागू इसका साइज अब छोटा करूंगी थोड़ा सा ठीक है और इसका कलर भी मैं चेंज करूंगी अभी तो पहले तो मैं ना इन दोनों को करती हूँ ग्रुप और इनको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ इनको ग्रुप किया थोड़ा सा मैंने इनको ऊपर कर दिया ताकि मैं इसके लिहाज से क्यू आर कोड को भी वैसे ही कर सकूं अलाइन इनके साथ इनके मिड में अलाइन कर देती ठीक है मैंने साइज थोड़ा सा छोटा किया क्यू आर कोड का और ठीक है अब मैंने क्यू आर कोड का कलर चेंज करना है थोड़ा सा सपोज में ये वाला कलर करके ना इसको थोड़ा ब्राइट करते हुँ. ठीक है है ये ना आ, बस ठीक है अब हमने इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल हम टू लाइंस लिख देते हैं कुछ भी आ, रूम प्लांटिंग के बारे में ठीक है तो ये हमारी एक पोस्ट प्रिपेयर हो जाएगी पूरी तो अब हम टू लाइंस कहाँ से लें। उसके लिए ना चैट जीपीटी जो है ना आपकी हेल्प कर सकता है या तो आप खुद से लिख लें कुछ भी या चैट चैट जीपीटी से लिखवा लें तो हम इसे चैट जीपीटी से कहते हैं कि गिव मी टू शॉर्ट लाइंस अबाउट रोम प्लांटिंग ठीक है तो ये हमें रोम प्लांटिंग के बारे में हम तो शॉर्ट लाइंस लिखवा लेते हैं जो भी हमें पसंद आएगी ना हम वो वाली ले लेते हैं इसमें से आई थिंक ये वाली अच्छी है ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद रोम प्लांटिंग ब्रिंगिंग लाइफ ये वाली मैं ले लेती हूँ ठीक है तो मैंने ये कॉपी किया कंट्रोल सी से और मैं जाऊंगी अपने कैनवा पे दोबारा से आई थिंक ये वाला था और यहाँ पे अब हमने क्या करना है टेक्स में जाना है और मैंने ना वो छोटा सा लिख मतलब बारीक बारीक सा ना नीचे लिखना टेक्स्ट अपना तो इसलिए मैंने ये नीचे वाला ही सिलेक्ट किया है इसके अंदर ना मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी और इसको अरेज करके कंट्रोल वी किया जो मैंने टेक्स्ट लिखा कॉपी किया था ना सॉरी कैनवा से वो वाला टैक्स यहाँ पे आ गया अब मैं इस टैक्स को ना मुझे चाहिए कि बस ये टू लाइंस में आए मुझे इतनी ज्यादा लाइंस नहीं चाहिए थ्री लाइंस में नहीं चाहिए ना तो मैं इसको थोड़ा सा करती हूँ ड्रैग और इसका साइज भी मैं कर देती हूँ छोटा ठीक है सपोज मैं इसको टेन कर देती हूँ आपको ये लग रहा होगा बहुत छोटा है लेकिन इसके रीजन ये है कि मुझे कम स्पेस में भी तो उसको रखना है ना इसलिए मैंने ज्यादा छोटा किया है अच्छा और मुझे टू लाइंस में करना है तो मैं यहाँ से ना इसको एंटर प्रेस करके सेकंड लाइन में ले आती हूँ ठीक और यहाँ से ये यह पहले ही मिड में है ऑलरेडी इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए एक मैंने यहाँ पे लिख लिखी है लाइन ठीक है तो थोड़ा सा मैं नीचे लेके आऊंगी मिड में ठीक है और इसको कंट्रोल कंट्रोल सी प्रेस करके वी किया ये इसके पेस्ट की हमने किया है वही वैसे ना आपने जब करना ना हम तो मेनली सेम टू नहीं लिखनी जो हमने कैनवा से सेकंड लाइन लिखवाई थी ना वो लिखेंगे यहाँ पे ठीक है ये मैंने जस्ट इसको कॉपी करके पेस्ट इसलिए किया कि हम इस फिलहाल इनकी पोजिशन सेट कर लें ठीक है मैंने इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके इकट्ठा कॉपी करना है सिलेक्ट और फिर मैंने इनको देखना है ये या, या मैं इनको इस इमेज की ताकि राइट बिल्कुल जो है ना मिडल पोजीशन में ले आऊ ये देखिए ये आ रही है इसकी मिडल लाइन ठीक है यहाँ पे आ गया मिड में अब हमने जो कैन चैट सेकंड से, से, से लिखवाई थी ना ये वाली ऊपर वाली वो हम कॉपी करेंगे और जो फर्स्ट लाइन है ना उसमें हम वो वाली पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें सेम लाइंस नहीं दिखवानी पोस्ट बनानी है अच्छी सी ठीक है तो मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वही रहने देती हूँ ना सेकंड चेंज कर देती हूँ एक तो इसके एंड में जो आ रहे हैं ना इनवर्टेड कोमाज वो मुझे हटाने ठीक है वो मैंने हटा दिए मैं इस पर सॉरी पूरे को सिलेक्ट करूंगी बैक स्पेस किया और मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन को भी कॉपी कर दिया ठीक है 아차. चलो जी जी अब देखिए हमारी फाइनल पोस्ट है ना वो रेडी हो गई है तो इस तरह से हम कोई भी अपनी पोस्ट है ना स्क्रैच से फुली खुद से डिजाइन करके पहले आप उसका पेपर पे बना ले अपने माइंड में जो भी स्केच बनाया वो बना के पेपर पे बनाए देन आप उसको ट्रांसफॉर्म करें कैनवा के ऊपर इस तरह से ब्लैंक जो है ना कोई भी आप पेज ओपन करें उसको कस्टम साइज में ओपन करें पहले सर्च आउट देखें कि आपने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करना है उसका साइज देखें उसके लिहाज से कस्टम साइज ओपन करें और उसके ऊपर आप अपने जो है ना पोस्ट को इस तरह से बना बना सकते हैं तो अब आप जल्दी से बनाइए अपनी पोस्ट आपके पास फाइव मिनट्स हैं चले सेवन मिनट्स ले लें क्योंकि ये आपने स्क्रैच से कुछ डिज़ाइन करना है तो सेवन मिनट्स तक आप जल्दी से करें डिज़ाइन <laughs> तब तक मैं डाउनलोड करके आपको सेंड करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में और आप भी अपनी बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा ठीक है तो ये अच्छी कोशिश की है सबने एडिकेंट ज्वेलरी कलेक्शन टेस्ट ऑफ आवर न्यू कलेक्शन ये महानूर ने बनाई है ये माही ने बनाई हुई है फैशन सेल अच्छा देखिए ये जो लोगो होता है ना आपका ये हमेशा ऊपर लेफ्ट साइड पे लगाया करें क्यू आर कोड को चाहे आप राइट पे ले आए ठीक है यहाँ पे मिड पे कभी भी लोगो प्लेस नहीं करते हैं ठीक है लोगों हमेशा टॉप पे लगता है राइट या लेफ्ट साइड पे जी अच्छा आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया है माशा गुड नेक्स्ट टाइम आप और ट्राई करते रहे क्योंकि ये है कि डिजाइनिंग जितना ज्यादा आप करेंगे ना उतनी ज्यादा आपकी अच्छी होगी ये नहीं कि जैसे देखते रहे देखने से नहीं होगा जितना आप ज्यादा हैंड से करेंगे उतना ज़्यादा आप तो ज्यादा आपकी डिजाइनिंग अच्छी होगी आपको कलर कॉम्बिनेशन होगा अच्छे लगते हैं कौन से सूटेबल है ये भी माह ने बनाई है ये इसमें आपने लोगो पर शो किया लेफ्ट पे ये अच्छा है वेरी गुड ठीक है और ये किंजा ने शेयर की थी ठीक है ये किंजा की है किंजा आप ना बस अपना एक लोगो जो है ना वो लेफ्ट साइड पे ऊपर लगा लीजिएगा टॉप लेफ्ट पे बाकी आपकी पोस्ट अच्छी है और एक और आप ख्याल रखा करें कि ये जो इमेजेस होते हैं ना वो भी चेंज कर दिया करें कुछ और आप अपने इमेजेस लगाया करें अपने प्रोडक्ट्स के अगर आपके पास अभी अपनी नहीं है ना आप गूगल से ले लें कुछ इमेजेस ताकि कॉपीराइट राइट इशू आए ये भी अच्छी है गुड कॉस्मेटिक कलेक्शन लेकिन आप ये देखिए आपको ये जो लोगो है ना वो इसके ऊपर इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा उसकी वजह से आपका डिजाइन डल हो रहा है तो आप इसके पीछे से वाइट जो है ना अपना स्क्वेयर ये हटा दें वो ब्लैक के ऊपर भी आई थिंक प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका ये कल, जो है ना लोगो का कलर चले आज भी हमने जो है ना तीन चीजें माशाल्लाह सीख ली हैं लोगो डिजाइन करना और पोस्ट डिजाइन करना यूजिंग अ एंड पोस्ट डिजाइन विदाउट यूजिंग अ टेम्पलेट डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके ठीक है तो नेक्स्ट टाइम इनशाला ना अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इमेज को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मीन्स uh, के इमेज के साइज को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट उसकी जो क्वालिटी है ना उसकी क्वालिटी को uh, कम किए बगैर उसका इमेज uh, का साइज हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है और आज की क्लास में अभी थोड़ा ता, टाइम ता, है आई थिंक तो मैं ना आपको एक और टॉपिक पढ़ा देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए ना फिर उम, जो टॉपिक है ना वो मेरा एक इसी में कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट में जो है ना फिर हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो फिर हम वो वाले जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ना उनको ज्यादा अच्छे से कवर कर लेंगे तो आज एक और टॉपिक हम कर लेते हैं ठीक है तो हमने ना अभी देखना है कि हम एक इमेज को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं कंप्रेस का मतलब होता है कि इमेज के साइज को स्मॉल करना ठीक है छोटा करना इमेज के साइज को अब इमेज के साइज को हमने छोटा क्यों करना है हमें क्या जरूरत है उसको छोटा करने की ठीक है उसके लिए उसकी रीजन ये है कि ना सम टाइम आपने कुछ एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है ऑनलाइन ऑनलाइन या उन्लाइन आप किसी भी आ, कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो ना तो आप उसके लिए फॉर्म सबमिट करवाते हो तो उसमें ना वो आपसे आपके पिक्चर मांगते हैं या फिर आईडी कार्ड की जो है ना वो कहते हैं कि आईडी कार्ड की पिक्चर्स हमें सेंड करें तो उनकी जो अपलोड करने की जो वहां पे होती है ना जो उन्होंने अपलोड करने की ऑप्शन दी होती है वहां पे ना कुछ ज्यादा जो बड़े साइज की पिक्चर है ना वो अपलोड हो ही नहीं सकती ठीक है थीके? तो वो फोर्टी के से ना, ना किलोबाइट से कम साइज की कहते हैं पिक्चर्स अपलोड करें तो हमारी पिक्चर अगर उस साइज से बड़ी है ना तो हमें उसको कंप्रेस करना पड़ता है तो हमें कंप्रेस करके सेंड करनी होती है तो हम कंप्रेस कैसे करेंगे उस वो हमने अभी सीखना है ठीक है तो सबसे पहले ना कंप्रेस करने के लिए आपने क्या करना है मैं ना ये एक्स्ट्रा बार्स को बंद कर रही हूँ ताकि यहाँ से रश कम और मैं आपको आगे सिखा सकूँ ठीक है ये मैंने आपको सिखा दी है डाउनलोड करके इमेज भी सेंड कर दिया हुआ है तो इसलिए मैं इसको भी क्लोज कर रही हूं ठीक है तो आपने क्या करना है एक न्यू टैब ओपन की और इस टैब में आपने लिखना है ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर ठीक है ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर ठीक है अब यहाँ पे देखें ये डिफरेंट आ रहे हैं ऑनलाइन इमेज कॉम्प्रेसर इसमें से आपने ना किसी के ऊपर भी क्लिक कर लेना है कोई भी आपको जो अच्छा लगे ना मैं ये फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर रही हूँ ठीक है अब इसमें ना आपने क्या करना होता है अपनी फाइल को या मतलब अपने इमेज को ना अपलोड करना होता है तो उसके लिए ना एक इमेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए ठीक है अच्छा इसके लिए आपको एक इमेज चाहिए तो फिलहाल ना मेरे पास कोई इमेज डाउनलोड नहीं है कि जो मैं इधर अपलोड करूं तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लिख के ना सर्च करती हूँ मैं गूगल से डाउनलोड कर लेती हूँ फिर वो मैं इधर अपलोड करके उसका साइज़ जो है ना आपको स्मॉल करके दिखा दूंगी ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कोई भी ज्वेलरी इमेज लिख लेती हूँ ठीक है तो इसमें से ना मैं कोई भी अब ये देखिए यहां पे ना फ़िल्टर्स आ रहे होते हैं <स्थाथ> मैंने फ्लावर ज्वेलरी पे क्लिक किया ठीक है इसमें से ना मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ से सेव कर रही करी टाइम नहीं है हमारे पास क्लास ये मीटिंग बस क्लोज होने वाली है टू मिनट्स के बाद ना मैं इसको खुद लीव करूंगी ताकि मैं इसको सेव कर लूँ ठीक है तो मैंने यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक किया और मैं इसको ना लेट्स बोल डेस्क टॉप पे ही सेव कर रही हूँ ताकि जल्दी से बस हो जाए काम हमारा अब मैंने यहाँ से क्लिक करना है डेस्कटॉप पे ठीक है तो डेस्कटॉप से इमेज को मैंने ड्रैग करना है यहाँ पर ये यह मैं इमेज को ड्रैग करके यहाँ ले आई ठीक है अब मैंने क्या करना है ये देखिए ये ना खुद ही से इमेज को ना नीचे कर देगा उसका मतलब कंप्रेस कर देगा अभी ये हो रहा है ठीक है यहाँ से हम ना से इसकी अगर क्वालिटी कम करेंगे ना तो ये इमेज का जो है ना आ, यहां से साइज और कम हो जाएगा अगर मैं इसकी एटी थ्री क्वालिटी करती हूँ ना तो अभी ना नेट नहीं ठीक आ रहा चल रहा मेरा वेट कर रही हूँ मैं जल्दी से हो जाए ताकि आपने यहाँ से ना एक और ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर में से कोई और वेबसाइट भी खोल लेते हैं वहां पे भी ट्राई करते हैं ये वेबसाइट बहुत स्लो है इसमें ना जल्दी हो नहीं रहा क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है क्लास का इतना वेट नहीं हम कर सकते ठीक है तो मैं यहाँ पे करती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना इमेज हमने यहाँ पे भी ठीक है ये देखें अब इसने ना फोर परसेंट तक इसको कर दिया है रिड्यूस पहले हमारी फाइल का साइज क्या था पहले हमें वो चेक करना होगा उसके लिए हमने ना अपने इमेज पे राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और प्रॉपर्टीज में देखना है इसका साइज कितना है मेरी ये पहले फाइल 20.3kb की है ठीक है 20.3kb और अब इसने रिसाइज जब किया ना तो इसकी कितनी हो गई है वो देखते हैं ये देखें ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया ना तो ये KB की हो गई है मतलब इसने 44 इसको कर दिया इसका छोटा किया की, की हो गई ठीक है तो अगर मैं इसको और ज्यादा थोड़ा सा कर देती हूँ ना कम यहां से तो ये फाइल का साइज और ज्यादा जा, कंप्रेस कर देगा ये अब ये थोड़ा सा हो रहा है लोड लोड होने के बाद पता चलेगा कितना हुआ है इसका size, है इसका साइज ठीक ये देखें पहले अलेवन पॉइंट समथिंग था अब टेन पॉइंट सिक्स सिक्स हो गया ठीक है तो हम यहाँ से जितना ज्यादा इसकी साइज को चेंज करते जाएंगे ना आ, कम करते जाएंगे इतना ज्यादा यहां से इसका साइज चेंज होगा ये देखिए अब एट पॉइंट नाइन टू हो गया ठीक है तो अब इस तरह से आपने करने के बाद ये डाउनलोड है डाउनलोड पे क्लिक कर लेना और अपने इमेज को डाउनलोड कर लेना ठीक है मेरी मीटिंग लीव करने लगी हूँ बस वन मिनट रह गया अदरवाइज ये सेव नहीं हो सकेगा ठीक है